कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के विषय संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा है, मैं इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा। दूसरे साहब का जब भी मैं शेर पढ़ता हूं तो और संयुक्त राष्ट्र को देखता हूं तो ये दोनों आज एक ही मंच पर खड़े नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण शांति और इंसानी हकों की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं से असफल है, इसीलिए हम आज यहां बैठे हैं चर्चा करने के लिए। मैं सफलता का सबसे मुख्य कारण उसकी उत्पत्ति और उसकी प्रवृत्ति को ही मानता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विजयी राष्ट्र, जिन्हें राष्ट्रसंघ कहा गया, वो जब विजयी हुए तो उन्होंने अपनी एक मानसिकता, जिसको कहा गया आंग्ल सैक्सन प्रजातंत्र, को दुनिया पर थोपा और एक तीसरे विश्व का निर्माण किया जो उनके लिए एक बाजार था, पश्चिम के लिए एक बाजार था। और इसी प्रकार एक नव उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। यही उपनिवेशवाद आज शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे एक जमीन है। जमीन क्या है? इसकी प्रवृत्ति। आर्थिक स्वायत्तता का ना होना, खुद की फौज ना होना और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दंड विधान कठोर ना होना कहीं ना कहीं से उस मानसिकता को दिखा रहा है जिस मानसिकता से उसे बनाया गया था। आज चीन दक्षिण चीन सागर पर जब कोई निर्णय आता है तो पूरी तरीके से कहता है हम नहीं मानेंगे। इस सोच के लिए तो हमने शायद संयुक्त राष्ट्र को नहीं बनाया था, जो मैं मानता हूं। दो विचारधाराओं की लड़ाई को हमने नाम दिया शीत युद्ध। यकीन मानिए उसमें कुछ भी शीतल नहीं था। दुनिया के पूरे आर्थिक तंत्र को हथियारों की भीड़ में ढकेल दिया गया। क्षेत्रीय अस्थिरता ने ऐसा उत्पात मचाया कि हथियारों का एक झुंड सा बन गया। मेरे काबिल दोस्त इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि 1991 में समाप्त हो गया शीत युद्ध। कहां हुआ? हर रोज कुछ ना कुछ तनाव अमेरिका रूस के बीच में देखने को मिलता है। अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप दिखता है, रूसी राजनयिकों को वापस अमेरिका भेजता है। ये क्या है? ये क्या शीत युद्ध नहीं है? चलिए मान भी लिया कि शीत युद्ध आपने समाप्त करवा दिया, लेकिन ये जो छद्म युद्ध, ये जो परोक्ष युद्ध कई स्तरों पर शुरू हो गया है, वो चाहे भारत चीन हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, चाहे चीन अमेरिका हो, चाहे जापान चीन हो, ये कहीं ना कहीं से ये सारे जो मोर्चे हैं बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है। जब शीत युद्ध हुआ तो एक स्लोगन दुनिया के सामने, एक सिद्धांत रखा गया, सुरक्षा में भी हथियार, हमले में भी हथियार, हम बनाएंगे दुनिया को शस्त्रागार। और इसी सोच के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू की गई जिसने जन्म दिया आज के सबसे बड़ी महामारी को, आतंकवाद को। यहां पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात से मनाही नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि शुरुआत में तालिबान और बाद में इराक में ISIL को किसने समर्थन दिया था, ये मुझे कहने की यहां से जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जब परमाणु निशस्त्रीकरण की बात आती है तो मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त सभी कहेंगे क्यूबन मिसाइल संकट का समाधान किया। लेकिन ये जो हर रोज बढ़ रहा है परमाणु का जखीरा, ये क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं वो क्या है। इसमें कहीं ना कहीं से परमाणु निशस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हां, मानवता के काम किए जाते हैं, लेकिन उस छत्र पे मलहम लगाने का क्या फायदा जब आपने ही वो जख्म दिया हो। संयुक्त राष्ट्र का सबसे जो दुखद पक्ष है वो ये है कि वो मूक दर्शक बनी बैठी रही हर समय, चाहे वो इराक पर जब हमला हुआ हो, चाहे अफगानिस्तान में हमला हुआ हो, सिर्फ तेल पर अपना अधिकार पाने के लिए सारे हमले हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ शांति से बैठा रहा एक कोना पकड़े हुए, इसलिए ये इसके आरोपी है। मेरी रोष, मेरी आवाज में चिल्लाहट इसलिए नहीं है कि मैं तेज बोल सकता हूं, मुझे मेरा रोष इसलिए है क्योंकि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा संघ खोखला है, इसमें कोई शक नहीं है। कल इन्हीं विचारों में मेरे मन में चार लाइनें आई, मैं उसी बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि स्वर्ग स्वर्ग देख स्वर्ग दिखाकर स्वर्ग नाम पे तुमने देखो क्या कर डाला, दुनिया तोड़ी हथियारी गोला कर डाला,
शांति छलावा बंद करो, अब भूत हुआ। शांति छलावा बंद करो और भूत हुआ, मानवता को विष देकर घायल कर डाला। इन्हीं शब्दों के साथ, सियासा के साथ संयुक्त राष्ट्र अपने अंदर सृजनात्मक बदलाव लाएगा। जय हिंद, आप सभी मानवता आगे बढ़े। क्या कोई इनसे कोई प्रश्न करना चाहेगा? क्योंकि अगर आप इनसे प्रश्न पूछेंगे उस पर भी इनको अंक दिए जाएंगे, तो अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो इनको उस इंटरजेक्शन के पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए